हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम के बारे में। ये ड्रेसलर सिंड्रोम एग्जैक्टली है क्या और इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, किन पेशेंट्स में ये देखा जाता है और इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज के इस 10 to 14 मिनट्स के वीडियो में हम देखते हैं। तो पहले आते हैं डेफिनेशन पे कि ड्रेसलर सिंड्रोम आखिर है क्या। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पेरिकार्डाइटिस होता है, सेकेंडरी फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस फॉलोइंग दी पेरिकार्डियल इंजरी ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और कार्डियक सर्जरी। यानी कि जो ये हार्ट है, हार्ट का जो लेयर होता है, हार्ट की तीन कवरिंग्स होती है। आउटर कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, मिडिल लेयर को मायोकार्डियम जो कि कार्डियक मसल का टिश्यू होता है, और इनर लेयर को एंडोकार्डियम करते हैं जो बेसिकली वैस्कुलर टिश्यू होता है। तो ये जो आउटर कवरिंग है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ओके, इन्फ्लेमेशन क्या है, टिश्यू रिस्पॉन्स टू इंजरी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के बारे में हम किसी और पैथोलॉजी के वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और पूरे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ ये जो पेरिकार्डियम यानी जो बाहर की जो परत है हार्ट की, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, ये सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। किस पेशेंट्स में पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो चुका है, अंडर ट्रीटमेंट हैं, जो रिकवर कर रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में, बास पेशेंट्स में तकरीबन 3 से 4% पेशेंट्स में जो है पेरिकार्डाइटिस देखा जाता है। या फिर हार्ट का जो ऑपरेशन होता है यानी कि कार्डियक सर्जरी होती है, तो उन पेशेंट्स में भी 1 से 6 वीक्स के ये पीरियड में ऑपरेशन के बाद पेरिकार्डाइटिस देखते हैं। तो उस सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस को जो कि हार्ट अटैक के बाद या फिर हार्ट की सर्जरी के बाद जो सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस नज़र आता है, उसे ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो सिंस ये पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद नज़र आता है, इसे कहते हैं पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अदर नेम भी है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सिंड्रोम। ठीक है, और इसको ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, यानी कि अगर पेरिकार्डियम पे डैमेज हो उसके बाद जो होता है, तो उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस या फिर पोस्ट कार्डियोटोमी सिंड्रोम भी कहते हैं, या पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम। ओके, पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम से भी एसोसिएटेड होता है ये, पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम या फिर पोस्ट पेरिकार्डियोटोमी सिंड्रोम। ओके, इसके इतने नाम है, पोस्ट पेरिकार्डियोटोमी सिंड्रोम। ठीक है, तो इतने इसको अदर नेम्स या ये सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है ड्रेसलर सिंड्रोम। तो अभी आते हैं इसकी हिस्ट्री और हिस्ट्री एंड एपिडेमियोलॉजी के ऊपर, ये कब इसका डिस्कवरी हुई है, सिंड्रोम के बारे में कब पता चला। तो 1956 में विलियम डेसलर ने इसको डिस्क्राइब किया था, इस सिंड्रोम को। ठीक है, अपने एक पेपर ने उन्होंने पब्लिश किया था, तो उसमें उन्होंने सीरीज ऑफ केस रिपोर्ट बताया जिसमें 3 से 4% 3 से 4% पेशेंट्स में जो के हार्ट अटैक से जो रिकवर हो रहे हैं, उनमें 1 to 6 वीक्स के बाद, 1 to 6 वीक्स ड्यूरेशन के बाद इस तरह की पेरिकार्डाइटिस नज़र आई, यानी कि हार्ट के जो आउटर लेयर पे इन्फ्लेमेशन नज़र आया। तो इस वजह से इसका नाम उन्होंने डेसलर सिंड्रोम रख दिया था। तो विलियम डेसलर ने इसे डिस्क्राइब किया गया 1956 में। इससे पहले भी ये सिंड्रोम जो है 1921 में, उसमें इसी तरह के पेरिकार्डाइटिस किसी स्टडीज़ में पाए गए थे, लेकिन ये पेरिकार्डाइटिस कॉज था या उसके बाद का इफेक्ट है प्रूव नहीं हुआ था, बट विलियम डेसलर ने 1956 में उसे डिस्क्राइब किया। तो उसका इंसिडेंस जो है 3 to 4% उन्होंने बताया, लेकिन अब क्योंकि इतना मॉडर्न मैनेजमेंट है हार्ट की सर्जरीज और अदर प्रोसीजर्स के लिए, तो less than 1% है इसका इंसिडेंस आज की डेट में, तो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है बेटर मॉडर्न मैनेजमेंट की वजह से। हार्ट पेशेंट्स के जो भी MI है या कार्डियक सर्जरीज बेटर होने की वजह से बहुत कम पाया जाता है, लेकिन फिर भी लेस देन 1% कभी कभार देखा जाता है। ठीक है, तो अब इस
सिम्टम्स क्या हैं इसके, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले इसका कॉज क्या है, यानी कि रीज़न क्या है या कारण क्या है, ये होता क्यों है। तो बहुत से हाइपोथेसिस है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है कि क्यों होता है ये पेरिकार्डाइटिस। सो इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्सेस जमा हो जाते हैं या इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। तो इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स एक एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी कि एंटीबॉडीज या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। सो ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है पेरिकार्डियम में आके जमा हो जाते हैं, जैसे ही इंजरी हो गई इस पर, या पोस्ट हार्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एंटीबॉडीज इसके पेरिकार्डियम के अगेंस्ट बन के, या एंटी मायोकार्डियल एंटीबॉडीज भी जमा होके इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेड, ये चीज़ें एग्जैक्ट कॉज नहीं मतलब मोस्ट प्रोबेबली हाँ इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से ये पेरिकार्डाइटिस होती है। फिर उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट्स में। तो टिपिकली ये साइंस एंड सिम्टम्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 1 से 6 हफ्ते, यानी कि 1 से 6 हफ्ते के बीच में साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं। कब? पोस्ट मायोकार्डियम इन्फार्क्शन, यानी कि हार्ट अटैक के 1 से 6 हफ्ते के बाद, या फिर हार्ट सर्जरी के 1 से 6 हफ्ते के बाद ये क्लिनिकल फीचर्स नज़र आते हैं। तो क्या क्लिनिकल फीचर्स नज़र आएंगे, सिम्टम्स पे आते हैं पहले। तो सिम्टम्स में देखिए, पहले पेशेंट प्रेजेंट करेगा कुछ 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद कोई फीवर, एकदम अचानक फीवर होगा, जो कि अराउंड 104 डिग्री टू 1024 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फीवर नज़र आएगा। ओके, उसके अलावा एक कंस्ट्रिक्टिव चेस्ट पेन, ओके, चेस्ट पेन जो कि टिपिकली कंस्ट्रिक्टिव इन नेचर होता है, तो वो एक सिम्टम नज़र आएंगी, यानी कि चेस्ट पेन भी नज़र आ सकता है। तो चेस्ट पेन नज़र आएगा, फिर उसके बाद जो है पेशेंट जो है इरिटेबल नज़र आएगा, तो इरिटेबिलिटी भी नज़र आएगी सिम्टम्स में। पेशेंट अपने आप को बोलेगा कि मुझे फीवर हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है। फिर उसके अलावा मलेज, यानी कि वीकनेस, थकावट, ओके, बास रिपोर्ट्स में जो विलियम डेस्लर्स ने देखा है, तो पेशेंट जो है जस्ट वीकनेस से भी प्रेजेंट किए थे, ठीक है। तो बहुत मलेज, यानी कि वीकनेस, बॉडी वीकनेस हो जाती है 1 हफ्ते के बाद अचानक से। उसके अलावा जॉइंट पेन, यानी कि आर्थ्रालजिया भी कहते हैं, तो जॉइंट पेन्स भी नज़र आते हैं, तो डिफरेंट जॉइंट्स पे पेन शुरू हो जाता है। फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे डिस्पनिया भी कहते हैं, तो डिस्पनिया है। फिर अगर हम साइंस पे आते हैं, तो इसमें जो है टिपिकली टेकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज़ इन दी हार्ट रेट। सो नॉर्मली जो हार्ट की जो बीट्स होती है 1 मिनट में 60 to 100, यानी कि 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती हैं, तो टेकीकार्डिया यानी कि ज़रा सा हार्ट रेट बढ़ जाता है। उसके अलावा पाल्पिटेशंस यानी कि हार्ट की जो धड़कन होती है वो तेज़ी से सुनाई देती है अपने आप को, जो फीलिंग होती है उसकी, तो उसे पाल्पिटेशंस कहते हैं। तो पाल्पिटेशंस भी होता है। फिर एक टिपिकल अगर कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे कि कार्डियक टैम्पोनेड या कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, तो पल्सस पैराडॉक्सस भी कभी कभार एक साइन नज़र आता है। तो पल्सस पैराडॉक्सस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो टाइमिंग इतना याद रखिए। पल्सस पैराडॉक्सस में क्या होता है, आमतौर पे इंस्पिरेशन में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस या कार्डियक टैम्पोनेड में ये ज़्यादा हो जाता है, यानी 10 मिलीमीटर से ज़्यादा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो इसे कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। तो पल्सस पैराडॉक्सस देता है। और क्लासिकली ऑस्कल्टेशन में, जो हम स्टेथोस्कोप से जो ऑस्कल्टेट करते हैं, तो पेरिकार्डियल रब, यानी कि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जो दो लेयर्स जो होते हैं ना, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब नज़र आता है, यानी कि जो विसरल पैराइटल लेयर जो है एक दूसरे पे, पेरिकार्डियल फ्लूइड इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेम होने की वजह से एक टिपिकल पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब भी नज़र आता है या सुनाई देता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब ऑन ऑस्कल्टेशन। तो ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसकी पेरिकार्डाइटिस को ये करने के लिए। उसके अलावा अगर लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो, अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स लंग्स में भी जाके प्लूरल एफ्यूजन वगैरह कहें, तो साइंस ऑफ न्यूमोनाइटिस भी देखते हैं, यानी कि निमोनिया की तरह, यानी इन्फेक्शन ऑफ लंग। तो साइंस ऑफ न्यूमोनाइटिस भी हमें ऑस्कल्टेशन में ये भी सुनाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स ये ड्रेसलर सिंड्रोम के। अभी हम इसको लैबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ओके। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस जो है मेनली
सीबीसी सो जनरल ब्लड काउंट में आपको इंक्रीज इन दी डब्ल्यूबीसी सो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि ईएसआर है वो बढ़ जाएंगे और सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे, ओके, सो चेस्ट एक्सरे में टिपिकली देखिए यहाँ पे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल फ्लैटेंड हो जाता है, कार्डियक सिलहाउट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, उसके क्योंकि जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड जमा हो जाता है पेरिकार्डाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। उसके अलावा अगर हम ईसीजी चेंजेस में देखें तो ईसीजी चेंजेस में टिपिकली एसटी एलिवेशन यानी एसटी सेगमेंट का एलिवेशन और पीआर सेगमेंट डिप्रेशन होता है और लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नज़र आते हैं और समटाइम्स इन्वर्टेड टी वेव भी देखा जाता है। सो टिपिकल ये एसटी एलिवेशन या पीआर सेगमेंट डिप्रेशन ये पेरिकार्डाइटिस के ईसीजी चेंजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी, अगर इकोकार्डियोग्राफी में आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड वगैरह नज़र आएगा तो अगर इको में अगर क्लियरली नज़र नहीं आया तो कार्डियक एमआरआई भी कर सकते हैं, तो इसमें क्लियरली आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड या थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम नज़र आ सकता है, तो ठीक है। तो ये तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस हो गए, अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। सो ट्रीटमेंट से पहले मैं कॉम्प्लिकेशंस बता दूं आपको, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक है कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट के टिपिकल 3 साइंस होते हैं जो कि बैकस्ट्रैड होते हैं, उसके बारे में हम फिर से एक दूसरे एक छोटे से वीडियो में बता देंगे, राइट नाउ इतना याद रख लीजिए। कार्डियक टैम्पोनेट यानी कि कंस्ट्रिक्ट, क्योंकि फ्लूइड जमा होने की वजह से हार्ट जो है सही से पंप नहीं करता है यानी उसको रेस्ट्रिक्शंस मिल जाता है हो जाता है, तो इसे कार्डियक टैम्पोनेट करते हैं। और एक क्या है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस यानी कि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो पेरिकार्डियम इन्फ्लेमेशन होने से, पेरिकार्डाइटिस होने से वो स्कार टिश्यू बन जाता है आउटर लेयर, तो उस वजह से भी हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता है, सही से एक्सपैंड नहीं होता है, तो उसे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो उस वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह डाउन हो जाता है, फिर ये पल्सस पैराडॉक्सस नज़र आता है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है। तो ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सो जनरली बहुत से पेशेंट्स में ये माइल्ड होता है और ओपीडी बेसिस में ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी कि जब कार्डियक रिकवरी होने के बाद 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद अगर पेशेंट फीवर या ऐसे पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम्स से आए यानी प्लूरल पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब ऑस्कल्टेशन में नज़र आए, एक्सरे और ईसीजी चेंजेस नज़र आए, तो जनरली ओपीडी बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो, है ना, ओके। तो उसको ओपीडी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें से एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो हाई डोसेस ऑफ एस्पिरिन आप दे सकते हैं, जिसको जो है ग्रेजुअली 4 to 6 weeks में टेपर्ड करना पड़ता है, यानी कि डोज को कम कर देना पड़ता है, तो आइबुप्रोफेन या दूसरे NSAIDs भी दे सकते हैं, तो कॉमनली एस्पिरिन हाई डोज में दे जाता है। सो जो पेशेंट्स एस्पिरिन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते उन पे कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स यानी कि प्रेडनिसोलोन भी देख सकते हैं। सो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स में अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो ट्राई कर सकते हैं, वो भी 4 weeks तक टेपर यानी कि उसके डोज को लोवर डाउन करना पड़ता है। उसके अलावा और एक एक ड्रग है कोल्चिसिन, ओके, ये एक्चुअली किसी स्टडीज़ में प्रिवेंशन फॉर ड्रेसलर सिंड्रोम के लिए दिया जाता है, तो यानी कि हार्ट ऑपरेशन से पहले यानी कार्डियक सर्जरी से पहले कुछ हफ्ते पहले या कुछ एक आध हफ्ते पहले ये दिया जाता है ताकि ड्रेसलर सिंड्रोम से प्रिवेंट करे, बट अभी ये बस स्टडीज़ में प्रूवन नहीं है, बस स्टडीज़ बोलते हैं कि ये प्रिवेंशन है या उसको कुछ हद तक इसको प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। तो ये रहा ट्रीटमेंट और हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि किस बीमारियों से डिफ्रेंशिएट करना होता है, जैसे कि है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, निमोनिया है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सेप्टिसीमिया, यूरेमिया, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो जस्ट मैं आपको समराइज कर दूं आज के इस टॉपिक डेसलर सिंड्रोम में हमने अभी क्या डिस्कशन किया। तो डेसलर सिंड्रोम है क्या, ये एक सेकेंडरी फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, जो आउटर परत है हार्ट की उसके इन्फ्लेमेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो एक सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस हो जाती है किन पेशेंट्स में हो जाती है, जो कि हार्ट अटैक जिनको हुआ है वो यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है उस पे रिकवर हो रहे हैं, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कार्डियक सर्जरी हुआ है या उसमें ट्रोमैटिकली किसी प्रोसीजर की वजह से अगर पेरिकार्डियल इंजरी हुई है तो उसमें सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस होता है, तो उसे कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। इसके अदर नेम्स भी हमने बताए हैं, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सिंड्रोम, पोस्ट ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, सो एंड सो। तो पहली बार ये विलियम ड्रेसलर ने 1956 में से डिस्क्राइब किया और इसका इंसिडेंस जस्ट 3 to 4% था और अभी आज की डेट में बहुत कम है, less than 1% है,
और इसका कॉज इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, और क्लिनिकल फीचर्स हमने देखे जैसे कि फीवर यानी कि बुखार, चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द, इरिटेबिलिटी यानी कि आदमी इरिटेट हो जाता है, थकान यानी कि मलेस, और जॉइंट पेन्स यानी कि जोड़ों में दर्द, और डिस्पनिया सांस लेने में दिक्कत, टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाता है, फिर पाल्पिटेशन धड़धड़ा महसूस होना, हार्ट की बीट को फील करना, पल्सस पैराडॉक्सिस, ब्लड प्रेशर जो है डाउन हो जाता है, इंस्पिरेशन पर ज़्यादा हो जाता है मोर देन 10 मिलीमीटर, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ऑस्कल्टेशन पे जब हम देखते हैं तो टिपिकली पेरिकार्डिटिस की वजह से पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होता है, और अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है तो निमोनाइटिस के भी साइंस हमें नज़र आते हैं, और हम क्लिनिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है CBC, ESR और चेस्ट एक्सरे और ECG चेंजेस एंड इको एंड कार्डियक MRI से कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस ये दो हैं कार्डियक टैम्पोनेट और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, एंड ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हम इस प्रकार के बहुत से वीडियोस डालेंगे जो कि MBBS के सभी सब्जेक्ट्स में राइट फ्रॉम एनाटॉमी टू मेडिसिन, हर सब्जेक्ट से थोड़े जो भी आज के आपके MBBS के सिलेबस के तहत हम डालेंगे, ये जनरल मेडिसिन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, किसी यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरी एग्जाम में भी पूछा है व्हाट इज़ डेसलर सिंड्रोम एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डेसलर सिंड्रोम, तो हम ये क्लिनिकल बाय छोटे छोटे वीडियोस एंड डिटेल्ड अदर पैथोफिजियोलॉजी के वीडियोस भी हम डालेंगे, सभी डिसीजेस के बारे में और बेसिक वीडियोस भी डालेंगे फर्स्ट ईयर के, और जो नॉन मेडिको पर्सन जो जस्ट नॉलेज के लिए देख रहे हैं, मैं ये एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये क्लियरली ये वीडियोस जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, और जो सिर्फ जानकारी के लिए देख रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना सेल्फ मेडिकेशन इस वीडियोस को ना देखें ना इस सॉरी सेल्फ मेडिकेशन अपना ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जस्ट ये देख के इसके ट्रीटमेंट अपने से कोई भी वीडियो इसके अलावा हम जो भी दूसरे क्लिनिकल रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं ना लें, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा, धन्यवाद।